हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कथित जमीन घोटाले को लेकर हुड्डा सरकार पर जोरदार हमला बोला था। चुनाव के बाद सरकार बनी तो शपथ लेने के कुछ घंटे के भीतर हरियाणा के दो नए मंत्रियों ने कथित भूमि घोटाले की पूरी जांच का ऐलान करके किसी को न बख्शने की चेतावनी जारी कर दी। सरकार बनते ही इस तरह के ऐलान से विपक्ष को हमले का मौका मिल गया। हालांकि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ किया है कि उनकी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी। हम किसी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी शिकायतें हैं उन शिकायतों के आधार के ऊपर निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और कानून के हिसाब से जो निर्णय होगा। वैसे खट्टर से जब ये पूछा गया कि क्या रॉबर्ट वाड्रा मामला उनकी सरकार की प्राथमिकता सूची में है, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता अपना एजेंडा लागू करना है। राज्य में पहली बीजेपी सरकार के अगुवा के तौर पर रविवार को शपथ लेने वाले खट्टर ने सोमवार को अपनी कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। बैठक के बाद उन्होंने साफ किया कि हुड्डा सरकार की ओर से की गई घोषणाओं और जिनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है उनकी समीक्षा होगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इसका ये मतलब नहीं है कि सभी घोषणाएं नामंजूर कर दी जाएंगी। पिछली सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं और जो भी प्रोसेस में है उन सबको रिव्यू किया जाएगा, जो प्रदेश में प्रदेश की जनता के हित में होंगी उनको चालू रखा जाएगा। जहां कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी, जहां कोई बात ऐसी लगेगी तो उसको रिव्यू करके रोकना आवश्यक होगा तो उसको रोकेंगे। खट्टर ने कहा कि हाल के दिनों में हुड्डा सरकार की ओर से की गई पुनर्नियुक्तियों की फिर से जांच की जाएगी। सीएम के मुताबिक सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें नियुक्तियों पर रोक लगाने के संबंध में फैसला तत्काल प्रभाव से लिया गया। खट्टर की बातों से साफ है कि सरकार फैसलों की समीक्षा तो करेगी, लेकिन उसका आधार राजनीतिक बदला नहीं बल्कि सुशासन होगा। डीडी न्यूज।